सरकार व जिला प्रशासन बड़े हादसों का कर रही है इंतजार। 22 से 23 लाख रुपए हर महीने बिहार सरकार को आय देने वाला मुंगेर का बिहार राज्य परिवहन का मुख्य भवन पिछले 7-8 वर्षों से जर्जर स्थिति में है। हालात ये है कि कर्मचारी भगवान के भरोसे हर रोज कार्य कर रहे हैं। सारे दस्तावेज बारिश के कारण खराब हो चुके हैं। सरमाग लाइव के लिए मुंगेर से अमृतेश सिन्हा के साथ पटना से धीरज सिंह की रिपोर्ट। ये बताए छाता क्यों लगाया आप? क्या माथा पर पानी टूटा है ठप ठप ऊपर से। सीलिंग का टुकड़ा भी टूट टूट कर गिरता है माथा पर। कई सालों से ये परेशानी चल रही है। हर एक बरसात में देखा जाता है, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस पर हम लोग को मजबूरन डर के साय में काम करना पड़ता है, क्या करें। तो यहाँ पे कौन क्या चीज का ऑफिस है? ये परिवहन निगम का, बिहार राज्य परिवहन निगम का कार्यालय है। समस्या ये है सर कि बारिश जब होती है तो चट्टाने गिरती है और पानी जमा हो जाता है, जिसमें हम लोग को काम करने में बहुत दिक्कत का सामना का दिक्कत से बहुत परेशानी होती है। बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और कई सालों से 6-7 साल 8 साल से लिखा पड़ी हुआ है विभाग में, बहुत सा कुछ नहीं हुआ। हम लोग भी डीएस साहब को अपने कम्प्लेन किए, डीएस साहब भी आगे प्रशासक को कम्प्लेन किए। अगर कभी कोई ऐसा घटना घट जाए तो? हाँ, घटना घटा। ये देखिए चट्टान गिरा, मेरा यहाँ फट गया है, यहाँ पे फटा हुआ है। और भी बहुत सा कर्मचारी जिसका चोट लगा है। अभी क्या स्थिति है अगर देखा जाए तो? अभी बारिश के मौसम बहुत गंभीर स्थिति है। देख रहे हैं जिस तरह आप कैमरा को ले जाइए, देखिए चट्टान फटी हुई है, ये गिरती है, हम लोग पे बहुत चोट लगता है। और क्या काम करने बहुत दिक्कत होता है, बहुत परेशानी होता है। एक तो दस्तावेज खराब होता है। बारिश में हम लोग शेड में काम करते हैं, कोई पुरानी गाड़ी में बैठ के काम करते हैं। बारिश में बहुत परेशानी है। बहुत ऐसे भी स्टाफ हैं जो अपने घर में कागजात का काम करके आते हैं, बारिश छूटने के बाद सारा काम मेल होता है। कितने सालों से भवन जर्जर है खास कर? ये अभी फिलहाल 7-8 साल से बिल्कुल जर्जर है। क्या स्थिति जब बारिश जब ज्यादा होती है तो? हम लोग रह नहीं पाते हैं वहाँ। डेली अभी बारिश में ऊपर से छत गिर रहा है, पर डे छत गिर रहा है। हम लोग शेड में काम करते हैं, कोई कर्मचारी भीतर में बारिश में काम करना चाहता नहीं है।